नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम जुड़ रहे हैं एलडी बारिक जी से, और ये हाल ही में पवनदीप से मिलकर आ रहे हैं। कैसे हैं आप और अभी कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं अभी मैडम, अभी अच्छा है, बहुत खुश है। और मुझे बताइए, पवन से कहाँ मिलना हुआ, कैसे मिलना हुआ, और अभी क्या आप अपने घर पर रायपुर में हैं? भाई रायपुर में एक्चुअली हम बेसिकली तो उड़ीसा का है। हाँ, ओरिजिनल एक स्कूल में स्कूलिंग किया, देन एनआईटी राउरकेला में करने के बाद देन राउरकेला स्टील प्लांट में ज्वाइन किया एज इंजीनियर। देन अच्छा, राउरकेला में अप टू 95, देन आई हैव गॉन टू सूरत, वन ऑफ स्टील प्लांट देयर। अच्छा, वहाँ पे साल काम किया, देन एक साल काम किया बांग्लादेश में, उसके बाद 4 साल का ऐसा ये दिल्ली में हम 4 साल था हेड ऑफिस में। देन अभी हम लास्ट 12 इयर्स अभी रायपुर में हम। अच्छा, ओके। कैसा शहर है रायपुर जहाँ पर पवन आए थे? रायपुर अच्छा शहर है, गुड सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। दिस इज ऑल्सो एजुकेशन हब, यहाँ पर आईआईटी आईएम सब है, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और जो अंजन यूनिवर्सिटी का पास में वहाँ बहुत इंटरनल स्कूल भी है, डीपीएस है, वो सब भवन स्कूल भी है, बहुत स्कूल है यहाँ पर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए। जी जी हाँ, रायपुर का जो पॉपुलेशन है अराउंड 18,000, 18 लाख। 18 लाख, यस ओके। और तो यहाँ आपने पवनदीप को कब से पसंद करना शुरू किया? पवन से जो शुरू से पसंद कर रहा था, उसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो पियानो बजा के, वहीं से हम उसको फॉलो किया है। अच्छा, दोनों को हम सपोर्ट किया, दोनों को हमेशा वोटिंग भी किया है। अच्छा, वोटिंग भी किया आपने? मैंने आई हैव यूज 5 मोबाइल फोन, 2 ईमेल आईडी। अरे वाह, लवली, दैट्स नाइस। और जब मालूम पड़ा कि पवनदीप आने वाले हैं, तो घर वालों ने क्या कहा, कि कैसे रिएक्ट किया कि आप उससे मिलने जाने वाले हैं? घर वाले को सबको मालूम था कि हमेशा उसको पवन जो गाना हम सुनते थे, सबको भी उनको बोलते थे। हाँ, आया तो वो बोले आपका लॉटरी लग गया। ओके, तो कैसे मिलना हुआ आपकी, कैसे शुरुआत हुई, बातचीत कैसे हुआ? नेक्स्ट में एक वहाँ के बीबीआई का पास लिया। हाँ, देन उसका पकड़ पाई पर लिखा था, तो हम एक फैन ग्रुप का मेंबर है और भी फैन ग्रुप का है। हाँ, उसमें कुछ बुकिंग पर्सन है, आप मालूम होगा जो संध्या व्यास बोल के, जी जी संध्या व्यास। हाँ जी, उसको भी मैंने हेल्प लिया, वो सीरियस रिटर्न टू चॉकलेट पाई। अच्छा, देन चॉकलेट पाई लिखा थे क्या मिल सकते, तो जो दिन आया हम जो पहले था, हम तो पहले पहुंच गया था। अच्छा, बट वो लोग 7:30 आए। अच्छा, उसके बाद मेरे को चॉकलेट पाई मैसेज किया, एक नंबर दिया ऑर्गेनाइजर का, उसको फोन किया और मेरे को लेके गए। अच्छा, में मेरे को लेके गए। अरे वाह, तो कैसा लगा जब पहली बार उनको देखा, पवन को सामने से? हमने समझो आंख मिलाए ना, हम तो फ्यूज हो गए, पूरा साइलेंट हो गया, हम क्या बोलेगा क्या, सब भूल गया। उसको छत्तीसगढ़ का वस्त्र आर्ट्स का एक गिफ्ट दिया है। हाँ, एक और उसपे आपको दिया, आपको कार्ड को भेजा था, आप कार्ड भी देखे हो गए? हाँ जी, देखा। हाँ, ये वाला जो कार्ड था, अरे वाह, पवन का, पवन की साइन। हाँ, उसे आप मेल देखे के पवन रायपुर आने का, कि ये पोस्टर है उसका, रायपुर में जो कुछ बताया था। हाँ, वो जो उसका था, देन उसको वॉइस का ये विनर है। हाँ, फर्स्ट ऑडिशन का पिक्चर है ये वाला, लवली, ग्रेट। और इसमें उसको इसमें देखिए, एक जो ऑडिशन वालों को मैंने राउंड कर बाद में, तो तीनों बैठे थे, अरुणिता, पवन और साइली। साइली फाइनल में देखिए, तीनों करेक्ट करेक्ट, तीनों ऐसे ही खड़े थे। करेक्ट 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 करेक्ट। उसका नेक्स्ट पेज में ऐसा एक था जिसमें फैमिली का
उसको जो फ्रेंड्स का उसको याद तो याद का गाना का टाइम उसको बाद में सेलिब्रेशन हुआ था इंडिपेंडेंस टूर का ये वाला है देन ये जो पूरा है इन लोगों का तो उसका कुछ है उन लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट बजा था टेन उसको दिया हम वाओ ये दोनों दिया था उसको लवली लवली बहुत अच्छा थैंक यू बोला हां हां बाद में हम उसको सुन किया फॉर मैंने कंप्लीटिंग 1 मिलियन व्यूज इन ये शिव स्तुति देन 7 मिलियन वजह ग्रेट लवली तब तो उसको सेल्फी लिया ग्रेट सो जैसे वो दिखते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वैसे हैं वो आपको क्या लगा वो लाइफ में देखने से वो तो बहुत मैंने पतला मैंने वो लेन एंड थिन है मतलब उसे बैठा के खूब खाना खिलाना पड़ेगा ऐसा खूब खाना खिलाएंगे उसे और मोटा कर देंगे ऐसा लगता बहुत हुई के बट वो जो थे जो स्टेज में आते हैं ना वो टोटल डिफरेंट ओके क्या अंतर नजर आया आप तो सामने से बैठकर सुन रहे थे सामने बैठ कर सुना था देखिए जो आया पहले फर्स्ट एंट्री किया यू कैन इमेजिन वो पूरा मैंने जो स्टेज था स्टेज के बाहर में जितने आदमी थे सब हल्ला करने लगे अच्छा? सब ताली बजाने लगे सब उनसे उठाने लगे सब कोई अच्छा और उसका तो फेस करना तो अलग था उस टाइम में भी हंस हंस था ये कर रहा था थोड़ा एक्शन कर रहा था ग्रेट तो वहाँ था एक साइड में जो मेल हब था दूसरा साइड मेरा अपोजिट साइड में फीमेल हब था दोनों साइड में भरा हुआ था वहां पर आप कैसे पहुंच गए क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी है वहां पे लॉन्च किया मतलब वहां पे उत्सव तरीके का मनाया जाने वाला है तो वहां आप कैसे पहुंच गए क्या आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं या कोई और भी है जो यूनिवर्सिटी नहीं फोन से बात किया जो नंबर दिया था मुझे बात किया है बोला आप बाय पेमेंट यू कैन टेक द टिकट पास ले सकते हैं ठीक है सो पेमेंट वीवीआई का एक पास लिया अच्छा ओके ग्रेट और आसपास वाले कैसे रिएक्ट कर रहे थे ये तो एंट्री की आपने बात कही किस गाने पे बहुत ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया किस गाने पे शांति से सुना भी गाना गाए अपना वही सेम गाना गाए बट एक चीज ये वो जो गाना वहाँ गाता है और सबको बोले रिपीट करता है बट वो गाना जो गाता है पब्लिक को पूरा अट्रैक्ट कर लेता है हम जो फर्स्ट टाइम पहले सुना कम्प्लीटली मैंने हार्ट फेल जैसे ऐसा हो गया था इतना मैंने घुसबम आ गया था पूरा बॉडी में अरे बाप रे टूटा अच्छा एक एक बात मुझे बताइए ऑल ओवर एंजॉयिंग मेरे पास में बैठे वो तो वो बता सब इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो अच्छा गाता है सभी सब अच्छा है तो वहां तो देखने लगे तो पब्लिक जो खड़ा होकर उसको ताली मार रहे थे वो जो गाना गा रहा था करता है सर और एक बात क्या है ना आप जब कॉन्सर्ट में जाते हैं नॉट ओनली उसका सिंगिंग और बैंड का उसके बाद क्या होता है ना पब्लिक का जो शोर शराब और जो ताली उसमें टोटल डिफरेंट लगता है अब पब्लिक का इमोशन जो है वो पूरा गाने को पूरा चेंज कर देता है दैट्स वेरी ट्रू तो आपके जैसे और भी लोग थे जो स्पेशली आए थे या फिर सब स्टूडेंट्स ही थे आपके अलावा नहीं वहाँ कॉलेज का स्टाफ भी थे बाहर का आदमी भी थे बहुत वीवीआई पे तो फर्स्ट दो कॉलेज का स्टाफ बैठे उसके बाद में तो बहुत आदमी बैठे थे बाहर का आदमी बहुत आदमी वीवीआई पास लेकर उसके बाद दो साइड वीवीआई पास लेके बहुत आदमी आए थे स्टूडेंट्स लोग थे नॉट ओनली स्टूडेंट्स बाहर का आदमी भी थे तो ये जो स्टूडेंट्स थे इन लोगों में क्या पवनदीप को लेके पहले से ही सुगबुगाहट थी कि अरे हमें देखना है सुनना है या सब मस्ती में झूम रहे थे कैसा था माहौल वहाँ का बच्चों मतलब स्पेशली कॉलेज के बच्चों में पूरा सब मस्ती में क्या दिखा जो एक तो लड़का जो पूरा उसका फ्रेंड्स का ऊपर में खड़ा हो गया पूरा थोड़ा वो साइड हिला रखा अच्छा डिफरेंट सीन नहीं था अरे वाह तो कितनी देर तक चला था ये शो अब चलिए स्टार्ट हुआ अराउंड 8 o'clock अप टू 9:30 तक चला अच्छा 1.5 घंटा तो रहा ही है एक बात बताइए क्योंकि अब 15 अगस्त की बात हम करते हैं तेरी मिट्टी जब वो गाते हैं
तब वहां पर माहौल कैसा हो जाता है? वही से सब वो सब चिल्लाते हैं, मैंने वंदे मातरम महात्मा सब कोई चिल्लाता था, सब कोई टोटल डिफरेंट जो आता है ना, जो फीलिंग जो है ना अलग आता है। आपको क्या लगता है? गाना गाते गाते बाहर चला गया। अच्छा, आपको क्या लगता है पवनदीप के इतने हिट होने का, सफल होने का क्या कारण हो सकता है? कोई दो या तीन कारण अगर आप अपनी तरह से डिस्क्राइब करना चाहते हैं। हम जो जानते हैं, मेरे को लगता है अरुण पवन बोथ आर गॉड गिफ्टेड, दे आर वेरी वेल बिल्ट डाउन टू अर्थ। उन लोगों का जो जो हम जितने हम कॉन्सर्ट सब कॉन्सर्ट आई हैव सीन ऑल देयर कॉन्सर्ट, कोई एक कॉन्सर्ट मिस नहीं किया अभी तक। अरे बाप रे, अच्छा। जो सब कॉन्सर्ट इन फर्स्ट कॉन्सर्ट था यहाँ पर हैदराबाद में था, नेक्स्ट शायद कॉच में था। आपके कॉच का एक स्टोरी डाले थे और अभी भी याद है, जो फ्लाइट डिले हो गया था वो गाड़ी में जाके वो साउंड चेक कर रहा था और वहाँ पहुंच के कल वो पियानो बजा के गाना स्टार्ट किया, उसके बाद वो बैंड में ज्वाइन किए। मेरा अभी वो याद है, बहुत पुराना है। So, क्या कारण हो सकता है आपकी नजर से? आपने तो पूरी दुनिया भी देखी है, आपने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। देखा है, हम तो अराउंड 15 कंट्रीज घूमे, नियरली 15 कंट्रीज, और वो लोग जहाँ जहाँ घूमे, यूएस में जो टाइम स्क्वायर, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को एंड नायगरा फॉल, अटलांटा सिटी, सब जगह हम गया है, हम देखा भी। नायगरा फॉल ठीक है, वो लोग कनाडा से भी देखे, हम यूएस साइड में गया था। वो नायगरा फॉल में क्या, यू कैन गो अप टू जो फॉल गिरता है ना, वहाँ जा सकते हैं, वो स्टीमर में जाना पड़ता है। हाँ। वो पहले समर में होता है, ये विंटर में नहीं खुला रहता है। अच्छा अच्छा, तो आपके नजर से क्यों उसको हिट वो बन जाता है? देखिए, हिट बनता है उसको, उन लोग वही जो क्राउड कंट्रोल है और जो उसका सॉन्ग सिलेक्शन है, वो जैसे गाता है और जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो आदमी लोग को ऐसे बिहेव करता है, वो देखो वहाँ वहाँ भी वो रायपुर में देखा भी, वो एक साइड में हाथ मिलाना, लेडीज पर जेंट्स खड़े थे, एक साइड हाथ में ऐसे घूम घूम के आ गया पूरा, इसी टाइप का वो बहुत अच्छा है, बहुत जो जो फैन को जो इसे मैंने रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। That's really nice. और क्या अरुणिता भी वहां पर आई थी क्या बैकस्टेज, वो और कोई और भी उनके साथ थे? नहीं था, अरुणिता नहीं था, she was not here. Okay. बिल्कुल आई नहीं थी। Okay. तो और कुछ होटल हो सकता है। बिल्कुल, तो और कुछ दुआएं देना चाहेंगे इन बच्चों को? दुआई कर दे, वो तो गॉड गिफ्टेड है, हम तो चाहते हैं वो अच्छा करे और हम उनका अच्छा सा गाना नया गाना गाना माने गाना गा के एंटरटेनमेंट करे। अभी तो उसको एक दो गाना भी आने वाला है, आपका भी दिखा रहा हुआ। हम अरे भी बताते हैं, हम पहले दो साल पहले हमारा निको का एक एनुअल फंक्शन हुआ था, वो अमित त्रिवेदी आए थे, वह कॉन्सर्ट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अरे अच्छा, आपने एक बार मुझे बातचीत में बताया था कि आपके फोन में कुछ हजारों में पिक्चर्स रखे हुए हैं पवन अरुणिता के। जो ये जो फोन में आई हैव 20,000 स्क्रीनशॉट्स of all their activities, all their emotions. अब देखेंगे जो जो मैंने वो पवन जी का जो इमोशन है, अरुणिता जी का इमोशन है, जो इंडियन आइडल में देन सुपरस्टार सिंगर है, सब कुछ है मेरे पास। उन लोगों जितना फोटो उठाए थे जो कॉन्सर्ट हॉल में जाके, सब मेरे पास थे। अभी एक याद है, आप भी बोले होंगे, वो वाशिंगटन डीसी में एक ट्री में दोनों खड़े होकर फोटो उठाए थे। हाँ, याद है आपको? हाँ, याद है, याद है। अरे बाप रे, नायगरा फॉल में वो साइड में गाना, आपके वो खड़ा होकर गाना गा रहे थे। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा सा मोमेंट है, ग्रेट ग्रेट, सब कैप्चर है मेरे पास, सब कैप्चर है। उसी में तो ये सब निकाला ना, ये जो फोटो सब उसी में निकाला। हाँ, ओके ओके। चलिए एलडी बारिक जी, इतनी पूरी बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद इन दोनों बच्चे पर और म्यूजिक के लिए लुटाते रहिए।
थैंक यू। क्या वो हमारा हमारा क्या वो पूरा वर्ल्ड का आशीर्वाद है उन लोग दोनों को। अग्री दोनों देखो सो मैंने क्या बोलते सुरों की रानी उसका मीठी आवाज मतलब स्वीट खाने का हनी खाने का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल रॉकस्टार पवन जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए थैंक्स अ लॉट थैंक यू।